In last lecture, we have discussed the most of operation of stacks, like stack implementation, conversion, infix to prefix, infix to postfix, and all other tasks we have done. But today we have just discussed some examples which are most important for examination purpose. And these numerical help you to understand the working of stacks, कि किस तरीके से हमारा स्टैक वर्क करता है, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसको सॉल्व करेंगे फिर हम। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है, उसमें कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं स्टैक में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टैक वेयर stk इज एलोकेटेड n इक्वल टू 6 मेमोरी सेल। यहाँ जो हमारी स्टैक्स है, इट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग 9 डिफरेंट वैल्यूज। एंड मेमोरी सेल्स का मतलब है कि हमारे पास 9 अलग अलग वैल्यूज, हम 6 सॉरी n इक्वल टू 6 का मतलब है हम अलग अलग 6 वैल्यूज इस स्टैक में स्टोर कर सकते हैं। कुछ इनिशियली हमने डाली हुई है इसमें, पहले से दी हुई है ये हमें, इसको भी मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, ठीक है। यानी अब एक है हमारे पास आर आर एस और एक है एस 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 और टी टी टी। अब कुछ हमें ऑपरेशन डिस्क्राइब करने हों, डिस्क्राइब द स्टैक एज द फॉलोइंग ऑपरेशन टेक प्लेस। जो पहला ऑपरेशन है वो पुश है और ये है एस टी के, ये स्टैक का नाम हो गया। और इसमें जो हमने वैल्यू पुश करनी है, फिर बी जो हमारा है पॉप ऑपरेशन है, इसको हमने लिखा एस टी के कॉमा, ये वेरिएबल हो गया जिसमें हम होल्ड करेंगे। फिर हमारा हो गया सी में पुश एस टी के वी वी वी, फिर से एक पुश है, और ये है एस टी के डब्लू डब्लू डब्लू। फिर इसके बाद एक पॉप है, हमें करना क्या, इस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आएगा तो हमें इसमें स्टैक का फेसेस बताना है। स्टैक का फेस का मतलब है, अगर ये ऑपरेशन इस तरह से हमारा स्टैक है जिसमें 6 वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यू पहले से स्टोर है, तो क्या होगा अगर मैं इसमें पुश करूं, हम लोग पुश करते हैं यू यू यू, तो हमारे पास स्टैक का फेस क्या होगा, ये क्योंकि हमारे पास n इज इक्वल टू 6 है तो ऐड हो जाएगा, तो पहले वाले का आंसर हो गया इज एडेड टू द टॉप ऑफ एस टी के। यानी हमें फेस बताना है कि आफ्टर दिस जो हमारा स्टैक है उसका फेस क्या होगा, उसमें क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो हमारे पास स्टैक के अंदर वैल्यू होंगी, शुरू वाली वैल्यू तो है ही,
ये हमारा पहले वाले का आंसर होगा और यह हमारा आ जाएगा यू 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 इस तरीके से। ये फर्स्ट वाला हमारा ए पार्ट होगा। हमारे पास क्या था कि ये एक एग्जाम्पल था जिसमें हमें ये इन ऑपरेशन के बाद जो स्टैक है उसका फेस किस तरह का दिखाई देगा, हमें क्या हमारे पास रिजल्टिंग स्टैक होगा ये शो करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे यू यू इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास एन इज इक्वल टू 6 मेमोरी सेल्स हैं और हमारे पास है 5 वैल्यूज स्टोर। तो यह हो जाएगा यानी हमारा पहले वाला ऑपरेशन हो गया। ठीक है, अगर अब हम जाते हैं बी में। सर स्टैक में ऐसे थोड़ी ना दिखाया, गलत हो गया क्या? सर स्टैक में पहले पी 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 क्यू 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 आर आर एस 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 टी टी था, तो आपने यू यू को इंसर्ट कर दिया, तो पुश जब स्टैक दिखा होगा अगर प्रोग्राम बना हुआ है तो यू यू तो इस साइड आओगा। ये स्टैक में जो है इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये स्टैक ऐसे बना हुआ है और ये जो पी 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 है ये सबसे नीचे है, ऐसे इसको समझ सकते हैं। जो सबसे पहले लिखा हुआ है इसका मतलब वो सबसे नीचे है, यानी हम इसको बता पाएंगे कि ये हमारा यहाँ है। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद है हमारा यहाँ पे क्यू क्यू क्यू, तो हमारा टॉप जो होगा वो होगा यहाँ पे। ऐसे ही हमारे पास सारी वैल्यू होंगी, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं। ये हो गया आर, ठीक है, ये फिर से आर और ये एस, और ये आपका हो गया एस एस और ये आपका ट्रिपल एस हो गया। ठीक है, और ये वाली वैल्यू होगी आपकी टी टी टी। अब हमारा टॉप कहाँ होगा, ये जीरो पोजीशन, ये वन, ये टू, ये थ्री, देन ये फोर, तो एक दो तीन चार पांच में हो गया, एक दो तीन चार यहाँ पे होगा आपका टॉप। तो अगली वैल्यू कहाँ आती है, जो भी इंसर्शन या डिलीशन होगा वो टॉप से होगा, तो वैल्यू क्या होगी इंसर्ट यहाँ पे होगी, तो हमारी वैल्यू होगी आपकी यू यू यू। ये वो जो यहाँ पे स्टैक लिखा हुआ है ये इस फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, ये प्रिंट नहीं है स्टैक, स्टैक का फेस दिखाया हुआ है। अगर प्रिंट की बात करेंगे तो सबसे पहले यही आएगा, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले यही आएगा। यस सर, वो ही तो कह रहा था मैं, अगर स्टैक आपने लिखा तो पहले यू यू आएगा। प्रिंट नहीं कर रहे हम स्टैक को, ये स्टैक का हम फेस दिखा रहे हैं। जब हम इस स्टैक का फेस दिखाते हैं तो वो अलग होता है और जब हम प्रिंट करते हैं तो वो अलग होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंटेड फॉर्म नहीं है स्टैक का, इसलिए इसमें जो है ये जो हमारा एक मिनट ये जो है ये पीपीपी ये शो करता है कि जीरो पोजीशन पे। हाँ, अगर अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो जो प्रिंट करेंगे तब यही प्रिंट होगा, जैसे आप बता रहे हो कि ये यहाँ आएगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन जब होगा ये, जब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट होते हुए या पॉप होते हुए यहाँ से वैल्यू निकलनी है, लेकिन जब हम इस स्टैक का फेस शो कर रहे हैं तो तब इसका मतलब है ये सबसे नीचे वाला वैल्यू। ठीक है, अब अगर यहाँ पे पॉप की हम बात करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी, पी 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 नहीं निकलेगी, हमारी वैल्यू निकलेगी यू यू यू। ठीक है, तो अब हम सेकंड करने वाले हैं। यही चीज आपको बतानी थी इसमें कि जो फेस है और जो डिस्प्ले का जैसा हमने प्रोग्राम बनाया
उसमें अंतर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे अब अगर हम बात करें पॉप एसटीके लिखा था यहाँ पे और यहाँ पे आइटम लिखा था जब हम इसको शो करेंगे द टॉप एलिमेंट रिमूव फ्रॉम एसटीके, तो टॉप एलिमेंट कौन सा है हमारा यू यू यू, द टॉप एलिमेंट रिमूव फ्रॉम इज द टॉप एलिमेंट, यहाँ पे लिखते हैं द टॉप एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम एसटीके, और अब हमारे पास जो फेस है वो बदल जाएगा। अभी हमने वो ये नहीं दिखाना है कि टॉप वैल्यू क्या रिमूव हुई, हमें शो करना है कि हमारा स्टैक का फेस क्या होगा। तो हमारा स्टैक का फेस होगा पी 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 क्यू 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 आर आर, इसको मैं स्मॉल में ही लिख रहा हूँ, ठीक है, चलो कैपिटल में कर देते हैं नहीं तो अलग हो जाएगा, कैप से लाके क्यू 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 आर आर एस 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 और ये टी टी टी, और यहाँ से जो रिमूव हुआ उसके लिए इस तरीके से हम लाइन शो कर देंगे। इसके बाद क्या ऐड हुआ, इसके बाद ऐड होगा वी वी वी। तो नेक्स्ट में जब हम बात करेंगे सी की तो ये इजिली ऐड हो जाएगा, बट अगर फिर से मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो अब क्या होगा हमारा फेस ये हट गया, और यहाँ पे इस केस के लिए बात कर रहे हैं हम, इस केस के लिए यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू आइटम कहाँ होगा, ये आ गया आपका वी वी दोबारे से और एक बार और वी, ठीक है। अरे यू डिलीट कर दिया, वी आ गया उसकी जगह पे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, अंडू करो इसको, और टॉप हमारा शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, टॉप शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी हमारी 5। जब हमारा n 6 है तो मैक्सिमम इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है 5 तक। अब हम फिर से ये वाला ऑपरेशन करेंगे तो होगा नहीं क्योंकि सारी वैल्यू भर गई, तो इसके आंसर में क्या आएगा, इसमें तो सिंपल हो ही जाएगा, देखो इसके जो c है इसका आंसर क्या आएगा, सी जो स्टैक बनता है एसटीके उससे बनेगा पी 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 और फिर आपका क्यू 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 आर आर एस 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 और ये टी 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 और हमारा आया वी वी वी, इससे हो जाएगा। बट ये जो डी है इसमें हमें लिखना पड़ेगा ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि ये इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा। और जब हम पॉप की बात करेंगे तो पॉप से क्या रिमूव होगा, टॉप एलिमेंट, और टॉप एलिमेंट रिमूव होने के बाद ये है आपका ई, टॉप एलिमेंट रिमूव होगा और हमारा स्टैक बनेगा आर आर एस और ये हो गया एस 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 और टी 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 और फिर ये इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे शो करना है। जब डी समझा दो, डी पुश कर रहे हैं या पॉप कर रहे हैं तो ये हमारा फेस है, ये आउटपुट नहीं है स्टैक का, स्टैक का इनिशियल फेस है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं फिर से बता देता हूँ एक बार और, हमारे पास एक एग्जांपल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टैक वेयर एसटीके इज एलोकेटेड, एन इज इक्वल टू 6 मेमोरी सेल्स, 6 हमारी मेमोरी सेल्स हैं और हमारे पास पहले से दिए हुए हैं 5 वैल्यूज। पुश की बात कर रहे हैं
यू 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 जैसे इंसर्ट करोगे तो सबसे पहले हम इस तरह से बना के रख लेंगे इसको रफ में, जैसे यू यू आएगा तो उसको यहाँ डाल देंगे। इसको यहाँ डाल देंगे, ये यू आ गया, ये यू आ गया और ये भी यू आ गया, वी के बदले ये शुरुआत में यू आ गया, ठीक है। जब रिमूव करोगे ये चीज हमारा आंसर है कि ये शो कराना है आपको, फिर पॉप करेंगे तो टॉप एलिमेंट रिमूव हो जाएगा और हमारा स्टैक ऐसे दिखाई देगा। ये हमारा आंसर है स्टैक का कि हम हमारे पास जो है टॉप एलिमेंट रिमूव होने के बाद जो स्टैक बचता है वो कैसा दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिपल वी इजीली इंसर्ट हो जाएगा, हमारा स्टैक बनेगा ऐसे। और नेक्स्ट में हमारे पास क्योंकि कोई जगह ही नहीं है इंसर्ट होने की, पूरा हो गया इंसर्ट तो ओवरफ्लो लिख देंगे, कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जो हमारे एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ था, हमने पहले जो है एप्लीकेशन किया था। अभी मुझे जगह ये क्लियर करनी पड़ेगी क्योंकि जगह नहीं है यहाँ, ठीक है। अगर किसी को इसमें से कुछ देखना हो तो आप रिमाइंड करके देख लेंगे, मैं इसे अपलोड कर दूंगा चैनल पर। छोटा सा मेरे पास एक एग्जाम्पल और है, कभी कभी इन दोनों, मुझे उम्मीद है कि अगर न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम होगी तो इन्हीं दोनों में से बनेगी और तीसरा कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनना ही नहीं है। तो जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पी रिटेन इन पोस्टफिक्स नोटेशन, ठीक है। हमें इसको कैसे पोस्टफिक्स में दिया हुआ है आंसर पहले से ही, ये हमारा है पी जो है, ये है आपका 12, देन कोमा लगाया 7, ये दिया होगा हमें इस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 3, देन कोमा माइनस कोमा डिवाइड कोमा 2 कोमा 1 5 प्लस कोमा इनटू प्लस। अब इसको हमने क्या करना है, इवेल्यूट करना है। वेट द एक्सप्रेशन रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन स्टैक की हेल्प। ये तो भाग गया भाई, सारी मेहनत खराब हो गई। चलो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो हमारे पास जो है कंसीडर द फॉलोइंग अर्थमेटिक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पी रिटन इन पोस्टफिक्स नोटेशन। इसको हमें वैल्यू करना है और हमें ये दिया हुआ है पोस्टफिक्स में 7 3 माइनस डिवाइड कोमा 2 कोमा 1 कोमा 5 प्लस इनटू नोट लास्ट में हो गया हमारा प्लस, ये है।
the result of this expression. हमें इसका रिजल्ट निकालना है, ठीक है? तो अब हम इसको एक टेबल के फॉर्म में तैयार कर लेंगे. ये बना लिया, बड़ा सा कर लेते हैं. और इसके दो हिस्से कर लेते हैं. एक में लिख देंगे सिंबल स्कैन, इससे लिखते हैं. और ये आपका हो गया स्टैक. ये हो गया आपका स्टैक. सिंबल स्कैन, ठीक है? अब सबसे पहले हमारे पास इस साइड से स्कैन करेंगे तो 12 आ गया. स्टैक में पहुंचा दो इसको डायरेक्ट, कुछ नहीं करना. जब प्लस माइनस आएगा तो उस ऑपरेशन को करना है इवेल्यूशन में. और जो हमारा कन्वर्जन था उसमें अंतर होता है, ये ध्यान रखना है. कन्वर्जन में स्टैक में सिर्फ ऑपरेटर्स जाते हैं, इवेल्यूशन जब होगा उसमें सभी चीज जाएंगे वहां पे. तो ये 7 आ गया. ये पहले हमारे पास 12 था, ठीक है? और ये 7 लिख दिया इसके बाद. ये इसके नीचे लाइन डाल दी. इसके बबाद आता है 3. ये आ गया आपका 3 और ये पहुंच गया यहाँ पे 12 7 3. इसके नीचे लाइन डाल दो. अब काम यहाँ से शुरू होगा. अब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी. अब आ गया हमारा ऑपरेटर माइनस. माइनस का मतलब है आप दो वैल्यू बाहर निकलेंगे. सबसे पहले आपका 3 बाहर निकलेगा क्योंकि ये क्या है, ये है बाइनरी ऑपरेटर्स. माइनस है, इसको बोलते हैं बाइनरी, बाइनरी बाइनरी का मतलब है अगर हम यूज करेंगे तो दो माइनस को यूज करेंगे तो दो में ऑपरेंड्स ही. जैसे ये ए है या माइनस बी, तब जाके इसको अपने ऑपरेशन करने के लिए दो वेरिएबल की या दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी. तो यहां से हमें दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी. पहले हमारे पास 3 आ गया, इसको यहाँ रख लिया इसने, और ये 7 आ गया. इसमें से ये पहले था और इसमें से ये घटेगा, जो पहले आया हुआ है उसमें से घटना है वैल्यू 7, क्योंकि ये बीच में आएगा ना माइनस, तो पहले वाले में से दूसरा घटेगा. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4. जरूर निकलेगा तो पहले 3, लेकिन जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, ए के अंदर आपका पहले वाली वैल्यू और बी के अंदर ये 3, क्योंकि हमारे पास जब भी हम इसको ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, हम पोस्टफिक्स में, पोस्टफिक्स में करेंगे तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा ए बी और ये माइनस. जब इसको स्टैक में डाल लेंगे तो क्या होगा, ए पहले जाएगा और उसके बाद पे बी जाने वाला है, तब माइनस आएगा. तो इसी एक्सप्रेशन को अगर लिखना है
तो ये इस तरीके से स्टैक में होगा, ए पहले और बी बाद में, अगर ए माइनस बी, तो यानी हमें 7-3 लिखना है, तो 7 यहाँ होगा और 3 यहाँ होगा, तो ये वाली वैल्यू फर्स्ट होगी और ये वाली वैल्यू सेकंड होगी, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 4, तो ये तो 12 हो गया और इसके रिजल्ट से ये आ गया 4। अब इसके पास यहाँ पे लाइन डाल देते हैं, माइनस का काम हो गया। इसके बाद आता है आपका डिवाइड, जैसी डिवाइड आएगा, डिवाइड आने पे क्या होगा, वही होना है ए डिवाइड बाई बी, ए डिवाइड बाई बी, अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ए बी डिवाइड, स्टैक में डलेगा तो ए नीचे जाएगा, बी उसके ऊपर होगा, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ जैसी डिवाइड आ रहा है तो हमारे अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे ए होगा हमारा 12 और डिवाइड करेंगे इसको 3 से 4 से और रिजल्ट आ जाएगा आपका 3, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे आपका आ गया 3, इस स्टैक में बचा सिर्फ एक वैल्यू 3, यहाँ तक हमने कर लिया। इसको एक मिनट हटाओ, तिरछी होगी लाइन, ये हो गया यहाँ पे डिवाइड और लाइन यहाँ से ये डाल दी एक लाइन, लाइन इसलिए डाल रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हमारे पास आ गया 2, ठीक है, तो 2 है, सिंपली कुछ नहीं करना, 3 पहले था, कोमा लगा के 2 लिख देंगे, यहाँ तक पहुंच गए, देन अगले अब लाइन डाल देते हैं। इसके बाद आ गया 1, यहाँ पे वैल्यू होगी 3, 2, 1, देन इसके बाद होगा आपका वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, और यहाँ पे हो जाएगा 3, 2, 1, 5, लाइन डाल दो। अब आता है आपका आने वाली वैल्यू है प्लस, जैसे आप प्लस डालोगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और वैल्यू हो जाएगी 3, 2 और इससे होगा 6, क्योंकि हमारे पास क्या है ए में 1, ए में हो गया 1 और बी में हो गया 5, टोटल हो गया 6, ये ऐड हो गया हमारा, ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक दो लाइन और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, ये लो एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं अच्छी सी अपनी और इसको कर लेते हैं नीचे, प्लस के बाद आ गया आपका इनटू, ये आ गया इनटू, इनटू से क्या होगा 2 × 6 इजिकल टू 12, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी
3, 12 यहां तक पहुंच गए हम। अब इसके बाद लास्ट में है प्लस और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 15। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आएगा। सिर्फ एक वेरिएशन हो सकता है इसका पेपर में, यहाँ पे हमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पेपर में ऐसा हो सकता है कि आपको दिया गया हो नॉर्मल एक्सप्रेशन, जैसे ये वाला, और ये आपसे पूछ लिया जाए कि कन्वर्ट कर, इसे एवेल्यूट करो यूजिंग स्टैक। तो पहले इसको, इसका जो वेरिएशन बन सकता है पेपर में वो ये बन सकता है, पहले इसको कन्वर्ट करो पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के बाद ऐसे ही चलना है सारा, बस इससे ये वेरिएशन हो सकता है, इसके अलावा कोई भी वेरिएशन इस पे नहीं बनता है। कि आपको नॉर्मल एक्सप्रेशन दे दिया और उससे ये बोल रहा हूँ कि इसे जो है स्टैक के थ्रू इवेल्युएट करो, इसको इवेल्युएट करने के लिए उसको पहले पोस्टफिक्स में करेंगे और जैसे अभी यहाँ बताया ऐसे ही हम उसको करते चले जाएंगे। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बन सकती हैं वो आपकी कंप्लीट होगी। आज का डिस्कशन यहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं।